यस यस, क्योंकि 217 पेज का है सर, शॉर्टकट जो ऑर्डर था वो हम लेंगे, ठीक है ना, बाकी हमारे लोग निकाल लेंगे। 31/12 का जो ऑर्डर हुआ था, 31/8/2012 का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर 270 पेज का है, उसको हम निकाल नहीं पा। नहीं नहीं, आप क्या है, जो काम का चीज था वो दे दीजिए। सुनिए, आप केस नंबर दे दीजिए, हमारे लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसका जो रिपोर्टेड भी जजमेंट वो निकाल लेंगे, उसका एक कॉपी आपको व्हाट्सएप पे हमारे लोग दे देंगे, चिंता मत करो। दूसरी चीज सर, कि उस ऑर्डर के पीछे, उस ऑर्डर के पीछे सर जो भी कोर्ट में बहस हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, उससे आम जमाकर्ताओं को या आम कॉमन आदमी को कोई मतलब नहीं था। मतलब ये था कि जब ऑर्डर पास हुआ 31 अगस्त 2012 को कि सहारा इंडिया, सहारा की जो विवादित कंपनियां थी रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड, उसका पैसा 15% ब्याज लगा करके सेबी को जमा कर दे। अभी सुने आपके केस का पूरा समरी, आशुतोष जी आप भी जरा गौर कीजिए। आपके जजमेंट का पेज 269 पे सब पैरा 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट इफ सहारास फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस एंड डू नॉट इफेक्ट रिफंड ऑफ मनी एज डायरेक्टेड, सेबी कैन टेक रिकोर्स टू ऑल लीगल रेमेडीज इंक्लूडिंग अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट एटीसी फॉर रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट। उसके जो डायरेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, हाँ ये, सारज वुड रिफंड द अमाउंट कलेक्टेड थ्रू आरएसपीज। आरएसपीज का मतलब क्या है, ठीक है, डेटेड 13/3/2008 एंड दिस 2009 along with interest of 15% to SEBI from the date of receipt of the subscription amount till the date of repayment within a period of 3 months from today, which shall be deposited in a nationalized bank being maximum rate of interest। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से क्या दिया है कि SEBI के पास वो इतना अमाउंट जमा करे। अब इसके पीछे की कहानी जो है सर, हाँ, एक मिनट, अच्छा सर, अगर वो नहीं करता है तो उनका प्रॉपर्टी अटैच करके ये पैसा वसूलने का आदेश भी सेबी को है। तो अगर सेबी के अधिकारी ने इस आदेश का पालन नहीं किया है या किया है, आप मुझे बताइए, उस पर से केस और आसान हो जाएगा। जी, जैसा कि सर बस इसमें सर थोड़ा सा और पीछे का थोड़ा ब्रीफ करना जरूरी है। आराम से बताइए, ये जो आदेश हुआ सर किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, इससे कॉमन मैन को मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि ये आदेश 31 अगस्त 2012 को आए थे, सहारा ने एक बड़ा फर्जरी किया और रातों रात एक नई कंपनी बनाई सर, सहारा क्यूशॉप कंपनी, है ना, सहारा क्यूशॉप यूनिक, सहारा क्यूशॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज कंपनी। और उन्होंने क्या किया कि जो दो कंपनी का जो पैसा था रियल और स्टेट और हाउसिंग बोर्ड का, जो पैसा सेबी को जाना था, उस पैसे को जमाकर्ताओं को दबाव दे करके, डरा करके कि अगर इस पैसे को अगर आप क्यूशॉप में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये पैसा तुम्हारा डूब जाएगा, ये पैसा सेबी के पास चला जाएगा और सेबी तुमको पैसा का भुगतान नहीं करेगा, और अगर सहारा क्यूशॉप में अगर तुम इस पैसे को रीइन्वेस्टमेंट कर देते हो तो तुम्हारा पैसा 6 साल के बाद 2.5 गुना हम तुमको वापस करेंगे। और सहारा ने जबरदस्ती दोनों कंपनियों का पैसा अर्जी मर्जी फर्जी तरीके से पीछे का डेट में, 31 अगस्त 2012 को जजमेंट था, उसके पीछे के डेट में करीब 6 महीना पीछे कंप्यूटर को ले जाकर के और लगभग 95% पैसे को री इन्वेस्टमेंट करवा दिया गया सहारा क्यूशॉप कंपनी में। लेकिन एक सवाल यह है, इस आदेश में लिखा है कि उनको सेबी के पास जमा करना है, सेबी के पास जमा करना है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि ये आदेश आने के पहले ही हम जमाकर्ताओं को पैसा लौटा चुके हैं। एक मिनट, अभी इन्होंने झूठ बोला, वो बात
किसी ऑर्डर में आई है क्या? हम उसको प्रूफ कर सकते हैं सर। नहीं, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दिया कि ये जो ऑर्डर आया था 31 अगस्त 2012 को किस सेबी को पैसे दे दिए जाए 24,000 करोड़ रुपए, ये ऑर्डर आने के पहले ही हम जमाकर्ताओं का दोनों कंपनी का पैसा वापस कर चुके थे। एक मिनट अभिषेक, ये केस को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे इसमें कितने ऑर्डर आए इसके आगे के कनेक्टेड मैटर आए सहारा की ओर से? सर एक बार नहीं, इसका रिपोर्टेड कॉपी भी निकालो। सहारा की ओर से एक बार नहीं, कई बार हलफनामा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस ऑर्डर आने के पहले ही हम डिपॉजिटर को पैसा दे चुके थे। उसका हलफनामा का कॉपी आपके पास? वो सर मिल जाएगा आपको नेट पर, नहीं तो मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है। और अखबार में भी दिया गया सर, अखबार में भी, ओ ठीक है, अखबार में भी सहारा ने बार बार कहा कि हम अपना जमाकर्ता को 95% लोगों को पैसा दे दिए थे। लेकिन ऑर्डर हुआ था कि वो सेबी के पास दे, सेबी आपको दे, सेबी हमको दे, हो गया। लेकिन सेबी के पास तो पैसा जो जमा हुआ सर, तो पहले काम तो ये लोग किया कि पहले उसको कन्वर्ट करवा दिया क्यू सॉफ्ट में। नहीं, लेकिन कोर्ट का जो आदेश,